हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रुचि सोया से रिलेटेड। यस दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट यहां पे आ चुके हैं एंड उसी के साथ साथ और एक हम लोगों को यहां पे ज़बरदस्त न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो चलिए, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, आगे हम लोगों ने क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड बात भी इसी वीडियो में कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, SMKC इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फ्री कंटेंट सिखाने के लिए आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं रुचि सोया के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं, रुचि सोया इंडस्ट्री पहले पूरी बर्बाद कंपनी थी, आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद पतंजलि ने जैसे इसको एक्वायर कर लिया, आप सभी लोगों को पता है IBC के अंडर, तब से इस कंपनी में हम लोग को जंप देखने को मिल रही है। हालांकि आप सभी लोगों को पता है, ये जंप अगर आप लोगों को लग रहा है कि माला माल बनाने वाली, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिनके पास भी 100 शेयर थे, उनके शेयर्स हटा के उनको एक शेयर नए रुचि सोया का दे दिया था। सो याद रखना, 725 रुपीज़ के आसपास हम लोगों को अभी ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग को 5% का अपर सर्किट भी यहाँ पे लगते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कंपनी अभी भी हम लोग देखते बीच बीच में अपर सर्किट लोअर सर्किट में ही हम लोग को कंसिस्टेंटली देखने को मिलती है। सो उसी के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी के Q1 के नंबर सामने आ चुके हैं, तो देख लेते हैं पतंजलि के अंडर इस कंपनी ने Q1 का रिजल्ट कैसे पेश किया है। सो दोस्तों, फॉन्ट यहाँ पे बहुत ही छोटा है, कंपनी ने जिस टाइप के रिजल्ट दिए उसी में मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहले फिगर्स इन लैक्स है, ये है इस वक्त के रिजल्ट। अगर मैं बात करूँ, ये पिछले क्वार्टर के रिजल्ट एंड ये भी है Q1 के रिजल्ट, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस। सबसे पहली बात, टोटल इनकम की बात करें तो दोनों बेसिस के ऊपर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस के, अगर आप इस नंबर को कंपेयर करें तो आप लोगों को गिरते हुए ही देखने को मिल रहा है। मतलब अभी भी कंपनी टोटल इनकम को यहाँ पे मैच नहीं कर पाई है। अगर हम लोग बात करें खर्चे की, टोटल एक्सपेंडिचर की, तो एक अच्छी बात ज़रूर है कि कंपनी का टोटल खर्चा पिछले क्वार्टर से भी कम है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी, क्वार्टर हम लोग जो कंपेयर करते हैं उससे हम लोग को कम ही देखने को मिल रहा है। सो एक अच्छी बात होती है जब कंपनी अपने एक्सपेंस को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर लेती है। सो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ते हुए भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो एक्सेप्शनल आइटम इस वक्त तो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड सारे टैक्स एडजस्टमेंट को अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब NPAT हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम कंपनी लॉस में यहाँ पे थी, बिकॉज हम लोगों को यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम लास्ट टाइम देखने को मिल रहा था। सो यहाँ पे हम लोग जरूर कह सकते हैं हम लोग को जंप यहाँ पे प्रॉफिट पे होती हुई देखने को मिल रही है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपैरिजन करें तो 1400 के आसपास रुपीज इंडेक्स का प्रॉफिट था, जो कि अभी 1200 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं पिछले टाइम लॉस में था, अभी प्रॉफिट पे देखने को मिल रहा है। सो एक ठीक ठाक ही नज़र यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट के ऊपर देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप लोग को बेसिक एंड डायलूटेड EPS भी देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो अभी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो 41.95 का EPS था, जो कि अभी हम लोग को 0.41 ही देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम तो ये हम लोगों को नेगेटिव ही देखने को मिला था। तो सारी बातों को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने जरूर इंप्रूवमेंट दिखाया, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस अभी भी कंपनी में हम लोगों को मतलब ऊपर आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करने को पड़ने वाली है। सो दोस्तों, कंपनी के अगर आप लोग लेटर देखते तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट था आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग, जो कि आज कंडक्ट कर दी थी 19 अगस्त को। सो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले पॉइंट नंबर ए हम लोगों ने देख लिया, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके जो रिजल्ट थे वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए। पॉइंट नंबर ए आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर बी के ऊपर, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं रिलिंक्विशमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर बाय श्री आचार्य बालकृष्ण। सो आप सभी लोग पता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर ये पहले आचार्य मिस्टर आचार्य बालकृष्ण थे, जो कि उन्होंने यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर का पद यहाँ पे छोड़ दिया है। यस दोस्तों, ये रेजिग्नेशन आप लोग यहाँ पे ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। तो हम लोग इसी से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। मैं वापस कहना चाहता हूँ, ये ओरिजिनल कॉपी है, फॉन्ट आप लोगों को धुला धुला सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। सो आप लोग पढ़ सकते हैं श्री आचार्य बालकृष्ण, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डायरेक्टेड आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। हैज़ रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विथ इफेक्ट फ्रॉम August 18, 2020 ड्यू टू हिज प्री ऑक्यूपेशन। सो रीज़न भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, प्री ऑक्यूपेशन की वजह से ऐसे कोई बात हम लोग को फिलहाल गड़बड़ी वाली देखने को नहीं मिल रही। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ एक्सेप्टेड हिज रेजिग्नेशन एंड रिलीव
ही इज़ फ्रॉम हिज ड्यूटी एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सो जो फर्स्ट पैराग्राफ हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, बहुत ही आसानी से इसका क्रक्स में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैनेजिंग डायरेक्टर पहले थे मिस्टर आचार्य बालकृष्णन, उन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दी है। रीज़न लिखा है कि प्री ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, एंड यहाँ पे जो अप्रूवल भी चाहिए था मैनेजिंग डायरेक्टर से रिलेटेड, इनका रेजिग्नेशन से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे भी हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। श्री आचार्य बालकृष्णन सेम डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आप लोगों को पढ़ने को मिल रहा हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। सो ये रिटायर बाय रोटेशन क्या है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई गेस सेक्शन 152 कुछ सब सेक्शन 6 ऐसा होता है होगा। जिनको ये बात समझ गई होगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, अगर मैं गलत रहूँगा तो भी आप मुझे रेक्टिफाई कर सकते हो। सो कोई बात नहीं, रिटायर बाय रोटेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 19 अगस्त 2020 सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी ही शैल कंटिन्यू टू बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। सो यही कहना चाहूँगा जो लोग पूछ रहे सर यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर ने रिजाइन कर लिया मतलब कोई गड़बड़ रहेगी, तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों, अगर गड़बड़ रहती तो वो कंटिन्यू नहीं करते, वो सारे पद से यहाँ पे रेजिग्नेशन दे देते। सो ये सारी चीज़ें एज पर द लॉ यहाँ पे चलती रहती है जो कि अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी हम लोग जरूर कह सकते कि अगर यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट खाली हुआ है, सो सिमिलर वे यहाँ पे बताया जाता है कि नया अपॉइंटमेंट यहाँ पे कौन है, तो आप देख सकते चेंज इन डेजिग्नेशन ऑफ श्री राम भारत होल टाइम डायरेक्टर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। सो आप लोग कह सकते हैं कि जो पहले होल टाइम डायरेक्टर था, होल टाइम डायरेक्टर मतलब पूरा टाइम वो एक ऐसे डायरेक्टर जो कि पूरा टाइम यहाँ पे उस कंपनी में ही काम यहाँ पे करते हैं, सो वही एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे काम करने वाले हैं। ये भी आखिरी पारे है जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, छोटा ही पैराग्राफ है। सो आप लोग देख सकते हैं श्री राम भरत डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन नंबर दिया है, आप लोग देख सकते हैं होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। रुचि स्वाय की यहाँ पे बात की जा रही है विद द इफेक्ट फ्रॉम 19 अगस्त 2020, एंड इनका जो पीरियड रहेगा आप लोग देख सकते हैं 17 दिसंबर 2022 तक हम लोग को ये परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रहे वाले एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड ये यहाँ पे जो उनका रिटायर जो होने वाला है वो रोटेशन से हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिलने वाले। ये सब लॉ के नियम है, कानून है, जो कि आपको नहीं पता होंगे तो भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अदर टर्म्स एंड कंडीशन रिमेनिंग द सेम सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सो बहुत ही गजब की चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। फंड भले ही छोटा हो बट हम लोग कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें, मैनेजिंग डायरेक्टर के रिजिग्नेशन से रिलेटेड बात करें एंड न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करें, तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे इस वीडियो में देखने को मिले हैं। सो दोस्तों सब कुछ देखने के बाद अभी हम लोग आ जाते हैं NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को अभी भी सिक्योरिटी वाइज कोई भी डिलीवरी पोजीशन यहाँ पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, डेटा अवेलेबल ही नहीं है। लो की बात करें तो 16 रुपये का लो देखने को मिल रहा है जहाँ से कंपनी वापस शुरू हो चुकी थी, जो कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि 3 से 4 रुपया वो रुचि सोया अलग थी दोस्तों। यहाँ पे इस रुचि सोया का लो आप लोगों को 16 रुपये देखने को मिल रहा है, मतलब ये दोनों डिफरेंट थे। बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि जिन लोगों को 25-20 रुपये पे रुचि सोया मिला है उनकी लॉटरी लग गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं। 100 रुपये के शेयर्स उनके बदल के वहाँ पे एक शेयर उनके हाथ में थमाया गया था, जो कि हम लोगों को हमेशा प्रोसीजर देखने को मिल जाती है। हालांकि अलोक इंडस्ट्री में डिफरेंट प्रोसीजर है, वहाँ पे NCLT ने कहा था कि 5 साल तक वो कंपनी डीलिस्ट नहीं हो सकती। सो इसीलिए अलोक इंडस्ट्री थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर था। रुचि से की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं फिलहाल 725 के आसपास देखने को मिल रहा है, 5% का अपर सर्किट है। चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो भारी वॉलेटिलिटी आप लोगों को यहाँ पे कंसिस्टेंटली देखने को मिलती है। अभी भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा सर्किट्स में हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। सो वापस कहना चाहूँगा मेरे जो पुराने वीडियोस में, जब तक कंपनी प्रॉपर यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू नहीं होती है, ये सर्किट में चलने वाली कंपनी जब तक क्लोज नहीं होता है ये सर्किट, तब तक हम लोगों ने इसके ऊपर फिलहाल स्टडी ही करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का फिलहाल नहीं सोचना चाहिए। अभी भी कंपनी यहाँ पे रेडी हो रही है, पतंजलि के अंडर जो मैनेजमेंट है अभी यहाँ पे डेवलप हो चुका है उसके अंडर ये कंपनी डेफिनेटली आगे जाके अच्छा काम कर सकती है, ये यहाँ पे भरोसा दिखाया जा रहा है। हालांकि बात करें तो शेयर होल्डर के पास मैक्सिमम शेयर है, रामदेव बाबा जी उन्होंने खुद कहा था कि वो यहाँ पे मैक्सिमम जो 75% का रेशियो मेंटेन करना होता है वो भी यहाँ पे आने वाले समय में करने वाले हैं। सो हकीकत क्या है, आगे क्या होने वाला है ये किसी को भी नहीं पता है, बट फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि रिटेल निवेशक जितना हो सके इतना इस कंपनी से थोड़ी सी दूरी बना के रखना है। मैं वापस कहना चाहूँगा कि कंपनी ख़राब नहीं है, अभी मैनेजमेंट चेंज हो चुका है, बट ये फिलहाल जो ये ऑपरेटर्स की एक्टिविटी हम लोगों को देखने को मिल रही है, अपर सर्किट लोअर सर्किट, इसमें हमेशा रिटेल निवेशक ही फंस जाता है। जब लोअर सर्किट होता है आप लोग बाय करते हो, जब अपर सर्किट रहता है आप सेल करते हो, एंड हमेशा जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपको लॉस ही देखने को मिल जाता है दोनों साइड से। सो फिलहाल जब तक कंपनी प्रॉपर यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करते, जब तक प्रॉपर वॉल्यूम्स हम लोगों को देखने को नहीं मिलते,
एंड जब कंपनी के रिजल्ट वाकई में अच्छे से नहीं देखने को मिलते, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर सिर्फ स्टडी करोगे, इनके लेवल्स के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करोगे तो ही वो आपके लिए बेटर हो सकता है। फाइनल डिसीजन मैं आप ही के ऊपर छोड़ूंगा, आप चाहो तो एंटर कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है जिस कंपनी में बहुत ही हाई लेवल से, आप लोग देख सकते हो 1400-1500 के भी लेवल के परे ये कंपनी जा चुकी थी, वहाँ से ये अभी तक अटके हुए हैं। मतलब 50% के लॉस में बहुत सारे लोग अटके हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों को यही कहना चाहूँगा, एंड वो भी रिटेल निवेशक ही रहते हैं। सो संभल के रहना होता है, जब तक प्रॉपरली यहाँ पे सारा डेटा हमारे सामने अवेलेबल नहीं होता है, तब तक आप चाहो तो सिर्फ कंपनी को स्टडी मोड के ऊपर, वॉच लिस्ट के ऊपर ही रख सकते हो। सो फाइनल डिसीजन आप ही करेगा, आप चाहो तो एंटर कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, आप ही के ऊपर है, बट फिलहाल तो मैं इसको वॉच लिस्ट में ही रखूंगा। एंड जब तक ये कंपनी के रिजल्ट बेहतर नहीं होते, सारा डेटा सामने नहीं आता, प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट होती, वॉल्यूम्स नहीं आते, तब तक हम लोग इसके बारे में ज़्यादा फिलहाल यहाँ पे जो विचार करते इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे फिलहाल नहीं करेंगे। वॉच लिस्ट में ज़रूर रखेंगे, सीखेंगे, जो कुछ भी होता है यहाँ पे देखते रहेंगे। सो आई आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारा डेटा पता चल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।